सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग ए के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कर रहे हैं, तो आज इसी को टारगेट करते हुए हम महाराष्ट्र के ए के पेपर्स को कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके महाराष्ट्र ए के हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को एक बार शेयर कर दें, देन उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यूके ट्रिपल एसएससी जेई पीएचएल का फुल सिलेबस का ऑनलाइन कोर्स है, साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस पेपर्स भी आप लोगों को अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप लोग देख भी रहे हैं कि सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आप लोगों के ऑन टाइम है, और इसी तरीके से आप लोगों का एसएससी जेई का एग्जाम भी टाइम से ही होगा, यूपीपीएससी यही भी टाइम से होगा, और राजस्थान जेई के भी चांसेस हैं कि टाइम से ही एग्जाम होगा। तो अभी तक अगर आप लोग सो भी रहे थे तो अब आपने उठ जाना है और पढ़ाई करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से सेकंड में हम लोग बात करें तो राजस्थान जेई का फुल सिलेबस का कोर्स है, और इसमें आप लोगों को राजस्थान की जीके भी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से थर्ड कोर्स की बात करें तो यूपीपीएससी एई का फुल सिलेबस का कोर्स है, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल है, यूपी की जीके हिंदी दोनों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक इम्पॉर्टेंट एक मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं कि हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है, जो समेटता है इनको एक साथ वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर पर, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है कि आप लोगों को पता है कि हमें एक पेपर नहीं निकला और असफलता मिली, तो ये भी हम लोगों को एक नई डायरेक्शन देती है कि हम लोगों को अब इस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, तब जाके हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो तभी जाके हम लोगों को क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। और ध्यान रखें, जो आप लोग जितने भी आप लोग स्टेट सर्विसेज के अपने अपने स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सारे यही क्वेश्चंस आप लोगों को कॉपी पेस्ट मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। बोला गया है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप लोगों को तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोला गया है कि फ्रिक्शन पाइल्स को फ्लोटिंग पाइल्स कहते हैं, और सेकेंड स्टेटमेंट है कि मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स की बात करते हैं पाइल ग्रुप में तो तीन होती है, और थर्ड आप लोगों का है कि ग्रुप एफिशिएंसी आप लोगों की या तो लेस देन 100% भी हो सकती है और 100% से ज्यादा भी हो सकती है। अब आंसर्स करके बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट होगा। चलो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आंसर्स करके बताओ फटाफट से। देखिए तो 1, 2, 3 के साथ जा रहे हैं बहुत ही शानदार आंसर्स के साथ, और कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी भी कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, फ्रिक्शन पाइल्स को हम लोग फ्लोटिंग पाइल्स ही कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है। सेकंड कि अगर हम पाइल ग्रुप की बात करते हैं, एक ग्रुप में हमारी जैसे ये पाइल कैप है, इसमें हम लोगों की मिनिमम कितनी पाइल होनी चाहिए, तो हमारा 3 पाइल होनी चाहिए, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आप लोगों का, अगर हम ग्रुप एफिशिएंसी की बात करते हैं पाइल ग्रुप की, तो वो 100% भी हो सकती है और 100% से ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे राइट है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। ये तीनों में अगर हम लोग बात करें, तीनों स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को करा भी रखे हैं ऑब्जेक्टिव में। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू एस्टिमेट फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर मार्क्स लेफ्ट ओवर इन दी पास्ट। कहने का मतलब, अगर हमें फ्लड डिस्चार्ज को मेजर करना है तो इनमें से ऐसी कौन सी मेथड है जिसको आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। स्लोप एरिया, एरिया वेलोसिटी, मूविंग बोट, अल्ट्रासोनिक मेथड। सभी स्टूडेंट्स आंसर्स करें। देखो ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के आज के, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, मॉडरेट पेपर ही है। आंसर्स करके बताओ कि यहाँ पे कौन सा आंसर्स मार्क करोगे कि फ्लड डिस्चार्ज के लिए हमारे पास क्या आंसर जाना चाहिए। देखो सी आंसर्स आ रहे हैं, क्या आंसर्स करेंगे, वेरी गुड भाई, शिव कुमार जी का स्लोप एरिया मेथड आ रहा है और एफजी उत्तराखंड जी का भी, वेरी गुड। अगर हम स्लोप एरिया की बात करते हैं तो ये हमारी इनडायरेक्ट मेथड होती है। ये हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट मेथड होती है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, फ्लड डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। और इन मेथड्स की बात करेंगे तो ये मेथड्स हमारी डायरेक्ट मेथड होती हैं। इसका मतलब आप लोगों का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। स्लोप एरिया मेथड को हम जनरली फ्लड डिस्चार्ज के मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं कौन राइट आंसर्स करते हैं। देखो बोला गया है रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विद, आप लोगों से बोला गया है अगर हमारा रिएक्शन टाइम ड्राइवर का इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, व्हीकल लेंथ इंक्रीज कर रही है, व्हीकल स्पीड डिक्रीज कर रही है, या आपकी व्हीकल स्पीड इंक्रीज कर रही है, या व्हीकल लेंथ डिक्रीज कर रही है। सभी लोग आंसर जरूर करें भाई, सभी लोग अच्छे आंसर्स के साथ, और जहां पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं उसको आप लोग जरूर नोट डाउन करो, ठीक है। और आप लोग है ही, अब तो पेपर्स आने वाला है, जब तक पेपर्स नहीं आने वाला था तब भी आप लोग बहुत एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे थे, अब और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़ना है। यहाँ पे क्या आंसर जाना चाहिए, देखे तो बी आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो अगर हम रिएक्शन टाइम की बात करते हैं तो रिएक्शन टाइम हमारा किस पे डिपेंड करता है, पीआईवी थ्योरी पे डिपेंड करता है। तो हम क्या है, हमारे मतलब सोचने की क्षमता, तो ये हमारी इंक्रीज कर रही है, मतलब सोचने की क्षमता हमारी कब बढ़ेगी, जब स्पीड में हम लोग कम चल रहे होंगे, अगर हम बहुत तेज स्पीड में चल रहे हैं तो तब जाके हमारा क्या है, जो हमारी सोचने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर का, सभी लोग बी आंसर्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड, जब हमारी क्या होगी, स्पीड कम होगी, जब हमारी स्पीड कम होगी तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन टाइम हमारा बढ़ेगा, हमारे पास सोचने की क्या होगा, सोचने का टाइम कह सकते हैं, ये हमारा इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी हमारी कम होगी तो रिएक्शन टाइम हमारा क्या होगा, जस्ट आपके यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल में रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या आंसर्स मार्क करते हैं आप लोग। देखो क्या बोला गया है, चॉइस ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन, अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि हमारी गेज की जो चॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है, सभी स्टूडेंट्स आंसर जरूर करें, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड, वेल डन। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए, देखो कुछ एमपीपीएससी ए के क्वेश्चंस हैं एंड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर उसी के सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ 50% से ज्यादा क्वेश्चन एमपीपीएससी ए के हैं। अब यहाँ पे आंसर्स करो भाई कि गेज की, अगर हमने गेज को डिपेंड, चॉइस ऑफ द गेज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी, कि आप लोग इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं, आप लोग इसमें ब्रॉड गेज यूज कर रहे हैं, इसमें मीटर गेज यूज कर रहे हैं, या आप लोग इसमें नैरो गेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर्स करना है कि गेज हमारा किस पे डिपेंड करता है। आपको पता है ये हमारी रेल है, ये दूसरी रेल, इसके बीच की जो इनर की जो हमें डिस्टेंस देखने को मिलती है इसको हम लोग गेज कहते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि ये ब्रॉड है, ये मीटर है, ये नैरो है, तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये आप ब्रॉड गेज की लगाओगे या मीटर गेज की, सभी लोग आंसर जरूर करें। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक में करेगा सिर्फ, स्पीड ऑफ द ट्रेन पे करेगा, या नाइदर वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक नॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन, बोथ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। जब हम गेज की अगर हम बात करें कि हम इसमें ब्रॉड गेज यूज करेंगे या मीटर गेज यूज करेंगे या नैरो गेज यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम का ट्रैफिक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना हो रहा है, और ट्रेन की क्या स्पीड है, ठीक है, हाई स्पीड की ट्रेन है या मीडियम स्पीड की ट्रेन है, इस पे डिपेंड करती है चॉइस ऑफ गेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं। अब देखो भाई जो इस क्वेश्चन को करेक्ट करके बताएंगे उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है, और इसको 5 स्टार्स मार्क कर लेना। अब देखते हैं तैयारी एक लेवल किसके ऊपर है, अब भाई तैयारी एक लेवल ऊपर यहाँ हो रहा है, और देखना एग्जाम में भी आप लोगों के फिर करेक्ट ही मार्क्स होंगे, करेक्ट ही क्वेश्चंस करके आओगे आप लोग। देखो क्या बोला गया, आउटर रिगर्स जो होता है हमारा वो क्या यूज, आर यूज टू, किस लिए हम लोग उसे यूज करते हैं, क्राउल माउंटेन के लिए बोला गया है स्टेबिलिटी के लिए, या व्हील माउंटेन के लिए बोला गया है, या फिक्सिंग दी लेटियंस बूम इन अ क्रेन, या फिक्सिंग दी टेलीस्कोपिंग बूम इन अ क्रेन, सभी लोग आंसर जरूर करें इस क्वेश्चन का। देखे तो सभी लोग ए आंसर्स के साथ जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। देखिए फिफ्थ की बात करें तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा, जो कि किसी का भी नहीं आ रहा है, किसी का बी आंसर आया, आया है इंजीनियर सौरभ सिंह जी का बी आंसर आया है, बाकी सभी लोग ए के साथ हैं। देखो आउटरिंगर्स की बात करते हैं, तो आउटरिंगर्स बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों के क्रेन्स होते हैं, ठीक है, क्रेन्स होते हैं, और इनमें व्हील्स लगी होती हैं, क्या लगी होती हैं, व्हील्स लगी होती हैं। आप देखो बाकी सब में क्रेन्स क्रेन लिखा है, तो आप लोगों ने ध्यान रखा है कि व्हील माउंटेड क्रेन होते हैं जिसमें हमारी व्हील्स लगी होती हैं, और ये क्रेन्स हमारे क्या यूज करने के काम आते हैं, लोड को लिफ्ट करने के काम आते हैं,
लोड को आप वर्टिकल डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आप लोगों के व्हील माउंटेड क्रेन्स हैं जो कि हमारे लोड को लिफ्ट करने के काम आते हैं। ध्यान रखेंगे जितने भी आप लोगों के स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, ये इन डेप्थ में क्वेश्चन ज्यादा ना पूछकर आप लोगों से बहुत वाइड सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब होता एक ही लाइन का आंसर्स है, लेकिन आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस लगाए होने चाहिए कि आप लोग आंसर्स मार्क कर पाओ। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? चलिए यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर्स। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं। अ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले सॉइल बोला गया है, अनकन्फाइंड गेव एन एक्सियल स्ट्रेस ऑफ द 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट फेलियर। कहने का मतलब 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दी है, आपसे बोला गया है कि शेयर स्ट्रेंथ बताओ, तो 50, 100, 25 नॉन ऑफ द अबव किस आंसर्स के साथ जाएंगे। सभी लोग आंसर्स जरूर करें, ठीक है, और सभी लोग अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करें, और आंसर्स तो आप लोगों ने करने ही है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? देखिए तो सी आंसर्स करें, वेरी गुड यशवंत जी, प्रियंका जी, सभी लोगों का सी आंसर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन। अजय जी का सी आंसर, रवि जी, चेतन सिंह जी, वेरी नाइस। क्या आंसर जाएगा? देखो 100 आंसर्स भी आ रहा है, बहुत ही अच्छे। क्या आंसर्स करना चाहिए आप लोगों ने? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दी सॉइल के बारे में आप लोगों से पूछा गया। देखो अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आप लोगों को दे दी है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की दे दी गई है, और आपको पता है कि शेयर स्ट्रेंथ हमारी कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से अगर हम कोहेजन कैलकुलेट करते हैं तो अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 आप लोगों का आ जाएगा, तो ये हमारी क्या आ रही है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है। क्ले की सॉइल है तो फ्रिक्शन यहाँ पे हमें 0 देखने को मिलेगा, तो अगर आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं शेयर स्ट्रेंथ, तो हमारे पास क्या होता है, 10 phi होता है, तो 10 phi ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी शेयर स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, कोहेजन के। तो आंसर्स क्या जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो काफी लोग सी के साथ है, वेल डन भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं, सभी को 2 मिनट का टाइम देते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे सभी लोग, बहुत अच्छे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। और जिस मोटिवेशन के साथ आप लोग अभी जितना भी लॉकडाउन पीरियड था इसमें आप लोग तैयारी कर रहे थे, अब इससे ज्यादा जोश आप लोगों के अंदर होना चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पहले तो आप लोगों को स्वस्थ रहना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत करनी है। और एक और चीज है कि जितने लोग एग्जाम्स को आपके फिलअप कर रहे हैं उससे 50% लोग ही एग्जाम्स को दे रहे हैं इस वक्त। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें IIT JEE वगैरह में, तो इन सारे एग्जाम्स में जितने फॉर्म फिलअप करे थे उसके 50% स्टूडेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वैसे भी कॉम्पिटिशन कम चल रहा है इसके, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और फिर साथ ही साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। क्या आंसर्स मार्क करें यहाँ पे? आंसर्स मार्क करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। देखिए तो सी आंसर्स आ चुका है, क्या 120 आंसर आएगा? किसी का भी सही आंसर्स नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा। अनुज कुमार जी का बी आंसर्स आ रहा है, अनिल जी का बी आंसर्स, बहुत ही शानदार। देखो आप लोग करते ही नहीं है क्वेश्चन, यही तो दिक्कत है। के ए की बात करते हैं तो 1 - sin 5 अपॉन हमारे पास 1 + sin 5 होता है, यस और नो? यस। तो 1 - sin 30 अपॉन हमारे पास क्या होगा, 1 + sin 30 होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, प्रेशर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, PA। अगर हम लोग देखें इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, KA इंटू गामा इंटू H होता है। इसके प्रॉपर एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पूरा प्रेशर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू KA इंटू गामा H स्क्वायर आपका हो जाएगा। बोला गया है सॉइल क्या है, सबमर्ज है, तो गामा डैश हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय गामा डैश की जगह क्या हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड 20 है, तो 20 - 10 हो जाएगा आप लोगों का, मल्टीप्लाई बाय H स्क्वायर, हाइट कितनी दी गई है, 6 मीटर दिया गया है रिटेनिंग वॉल, तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से सॉल्व, तो हमारे पास 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। देखो क्या टफ था इसमें जो आप लोगों ने नहीं करा क्वेश्चन को।
तो आप लोगों का क्या आंसर जाएगा, देखो 6 मीटर की हाइट का दे रखा है, सबसे पहले तो कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर्स को कैलकुलेट करोगे जो 1/3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं के ए गामा एच हमारे पास आता है टोटल यहाँ पे, और इसका अगर प्रॉपर पूरा एरिया आप लोग कैलकुलेट कर लोगे जो कि एक ट्राइंगल का एरिया है, तो 1/2 के ए गामा डैश एच स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आएगा। पैसिव के लिए कर दिए थे, बोला गया है एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव निकाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। 8 क्वेश्चन का आंसर्स देखते हैं कौन राइट आंसर्स करके बता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि प्रिंटर इंक हमारा किसका एग्जांपल्स होता है, न्यूटोनियन का, नॉन न्यूटोनियन का, थिक्सोट्रॉपिक का, इलास्टिक सॉलिड का। देखते हैं सभी लोग कौन से कौन यहाँ पे राइट आंसर्स करके बताते हैं, सभी लोग आंसर्स करके बताएं। आंसर्स करें, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गया कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि सारी प्रैक्टिस यहीं पे करनी है और एग्जाम में सब कुछ सही करके आना है। क्या आंसर्स मार्क करेंगे, देखिए तो थिक्सोट्रॉपिक के साथ जा रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। प्रिंटर इंक का हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा एग्जाम्पल है थिक्सोट्रॉपिक सबस्टेंस का। अब देखो आप लोगों को मैं कुछ और एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखो अगर हम सीडो प्लास्टिक कहते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं सीडो प्लास्टिक, तो सीडो प्लास्टिक के हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स में बात करें तो ब्लड, ठीक है, हॉस्पिटल क्या लिखना है, डायरेक्ट ब्लड लिख लेते हैं। सीडो प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स आते हैं ब्लड और आपका आता है मिल्क। ब्लड और मिल्क आप लोगों के किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, सीडो प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होते हैं ब्लड और मिल्क। इसी तरीके से डायलेंटिन की बात करें, अगर हम लोग अगर डायलेंटिन की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं सुगर सॉल्यूशन आ जाता है, इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है राइस स्टार सॉल्यूशन। राइस स्टार सॉल्यूशन कहने का मतलब कि अगर हम डायलेंटेड और इसकी बात करें तो ये हमारे शेयर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन पर डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब सुगर के सॉल्यूशन को अगर हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे, उसके हिलाएंगे, तो हमें यार क्या देखने को मिलेगा, जो विस्कोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इसको डिफॉर्म करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो आपकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो सीडोप्लास्टिक और डायलेंटेड में तो ये आते हैं। थिक्सोट्रॉपिक आप लोगों से बोला गया, तो थिक्सोट्रॉपिक सबस्टेंस में हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि टाइम के साथ साथ ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं, तो थिक्सोट्रॉपिक में क्या कहते हैं, टाइम के साथ साथ क्या है, हम लोगों को इनकी विस्कोसिटी कम देखने को मिल रही है। कहने का मतलब कि प्रिंटर की बात करें तो टाइम के साथ साथ प्रिंटर इंक क्या हो जाएगा, दिखना कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको थिक्सोट्रॉपिक कहते हैं। समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आपका एक नेक्स्ट आता है रिहोपैक्टिक। क्या आता है आप लोगों का, रिहोपैक्टिक। रिहोपैक्टिक भी हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है। इसमें हम लोग कहते हैं कि आपने जिप्सम पेस्ट को मिला दिया पानी में, जिप्सम पेस्ट को हम लोगों ने अगर पानी में मिला दिया तो टाइम के साथ साथ आप लोग क्या देखोगे कि टाइम के साथ साथ हमें यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होती, बढ़ेगी। क्योंकि भाई जिप्सम अगर पानी में मिला दिया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, गाढ़ा होने लग जाएगा, तो हमारे यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम बात करें थिक्सोट्रॉपिक और रिहोपैक्टिक, ये दोनों के दोनों हमारे टाइम डिपेंडेंट होते हैं, और ये दोनों हमारे क्या डिपेंडेंट होते हैं, शेयर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? और अगर नहीं आपको पता है तो आप लोग फ्लूइड के लेक्चर्स देख सकते हैं, और ये सारी चीजें तो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, जिससे कि एग्जाम्स में बिल्कुल करेक्ट करके आओ। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर्स करके बताते हैं, सभी लोग आंसर्स करो। सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंस मार्क करें और आप लोग अच्छे से आंसर्स करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कौन आंसर्स करके बताते हैं। बोला गया इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई आप लोगों को दिया गया है, 5x² - y², ये हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। आप लोगों से बोला गया है कि इसमें फाइंड आउट करके बताओ कि वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट द पॉइंट्स ऑफ 4 और 5 में हमारी वेलोसिटी क्या आएगी। सभी स्टूडेंट्स आंसर्स करें, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चाहे आप लोगों ने डिप्लोमा करा है, चाहे डिग्री करी है, तो भी ये आंसर्स करेक्ट जाना चाहिए। देखिए तो डी आंसर्स आ गया, बी आंसर्स आ गया, जैसे ही न्यूमेरिकल कोई आ जाता है तो सबके इतने डिफरेंट आंसर्स आते हैं, क्या बताएं। अब
देखिए, तो यहाँ पे वैभव जी का बी आंसर आ रहा है, बाकी सभी लोग सी के साथ हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। देखो, आप लोगों को वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन दिया गया है। हमें क्या पता है कि यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स हमारे पास होता है। वी अगर वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करें तो माइनस डेल फाई बाई डेल वाई होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। आज जब हम स्ट्रीम फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, यू इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई होता है, और v क्या होता है, डेल साई बाई डेल एक्स होता है। यस और नो? अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो हम यहां से करो, ये आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस फाइव इंटू टू एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास ये माइनस टेन एक्स आ रहा है। इसका मतलब माइनस टेन, और ये x और y कंपोनेंट है, तो टेन मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फोर्टी हमारे पास आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो हमारे पास देखो माइनस फाइव इंटू टू वाई, माइनस टेन वाई ऑलरेडी आ रहा है, माइनस यहाँ पे पहले से है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन वाई। तो टेन मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, पांच, तो हमारे पास फिफ्टी आ रहा है। तो मेरे पास वी की वैल्यू फिफ्टी आ रही है और यू की वैल्यू माइनस फोर्टी आ रही है, तो क्या आंसर जाना चाहिए, क्या आंसर करोगे, माइनस फोर्टी और फिफ्टी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं। चलो सभी लोगों ने, ठीक है, तो कोई नहीं, एग्जाम्स में करेक्ट करोगे, देखेंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में दोनों आप लोगों के नेगेटिव्स में होते हैं, और स्ट्रीम फंक्शन में यू इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई आता है। कौन सा पॉजिटिव है? चलो अब आपको जो भी डाउट हो रहा है डाउट को रखें, देन उसके बाद में पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्पीड रेशियो फॉर अ फ्रेंसिस टर्बाइन। यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगी, जिसकी तैयारी एक लेवल ऊपर, वो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट करेंगे। और ध्यान रखेंगे सारे आप लोगों के स्टेट सर्विसेज में बिल्कुल कॉपी पेस्ट होंगे पेपर। देखना ए के पेपर में डेप्थ में नहीं पूछता, मैंने पहले कह दिया, बहुत ही वाइड रेंज में पूछते हैं कि हाइड्रोलॉजी, सीपीएम, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे, वो सारे के सारे सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेप्थ में नहीं आता, इन डेप्थ में पेपर बस एक आपका गेट में आता है, बाकी कहीं भी डेप्थ में पेपर नहीं आता है ज्यादा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है। देखे तो सी आंसर्स आ गया, यहाँ पे देखे तो रवि मौर्य जी का बी आंसर्स आ रहा है और बाकी सभी लोग सी के साथ है। बहुत ही अच्छे। देखो अगर स्पीड रेशियो की बोला जाता है फ्रेंसिस टर्बाइन की, तो जो भी लोग बी के साथ हैं, वेल डन, कैप इट अप। दसवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 0.602.90। अब देखो स्पीड रेशियो की बात करते हैं, तो स्पीड रेशियो हमारा क्या होता है, के यू होता है। ये हम क्या कहते हैं, यू अपॉन अंडर रूट ऑफ टू जी एच, इसे कहते हैं हम लोग। यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्पीड रेशियो को, साथ ही साथ जो ये यू होता है इसको हम लोग कहते हैं पाई डी एन अपॉन 60 भी हम लोग कहते हैं। अब बात ध्यान रखेंगे कि फ्रेंसिस के लिए तो ये होता है स्पीड रेशियो, लेकिन अगर पेल्टन और कैपलन की बात करें तो क्या होता है। देखो कैपलन के लिए अगर हम लोग कहें तो कैपलन के लिए भी हमारा 0.63 होता है, ठीक है, कैपलन के लिए 0.63 हमारे पास होता है। लेकिन अगर आप लोग बात करें पेल्टन की, अगर आप लोग बात करें पेल्टन व्हील की, तो पेल्टन व्हील के लिए हमारे पास होता है 0.45 से लेके 0.48 तक। तभी तो हम लोग यहाँ पे जब पेल्टन व्हील की बात होती थी तो आंसर्स क्या मार्क करते थे, 0.46। यस और नो? देखो ध्यान रखेंगे, स्पीड रेशियो आप लोगों का हुआ यू अपॉन अंडर रूट ऑफ टू जी एच, यू हमारा पाई डी एन अपॉन 60 होता है। अगर कैपलन की बात करते हैं तो कैपलन 0.63 होता है, और अगर हम लोग फ्रेंसिस की बात करते हैं तो 0.60 से 0.90 पे होता है। बस ध्यान रखना है पेल्टन व्हील की, जो कि पेल्टन व्हील का स्पीड रेशियो होता है 0.45 से लेके 0.48, ठीक है। अब देखो ये डेटाबेस क्वेश्चन का ऐसा रहता है कि याद बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, तो एग्जाम से पहले इन सब को बहुत अच्छे से देख के जाना है आप लोगों ने, ठीक है। अभी याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि डेटाबेस इतना माइंड में रहता नहीं है। तो आप लोग अगर एग्जाम से पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ के ले जाओगे इन डेटा जितने भी हैं, जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे डेटा है और जैसे और सब्जेक्ट्स में भी है, तो इसको आप लोग याद कर ले जाओगे अगर स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ध्यान रखेंगे पेल्टन व्हील 0.46 हम लोग कहते हैं, फ्रेंसिस में आप लोग ध्यान रखेंगे 0.60 से 0.90, कैपलन में ध्यान रखोगे 0.60। आगे चलें 11th क्वेश्चन की ओर को। चलिए बोला गया है अगर बहुत हाई हेड है तो यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्बाइन है जिसको हम लोग यूज करते हैं, पेल्टन, फ्रेंसिस, कैपलन, नन ऑफ दी अबव। दो तीन दिन से मैं आप लोगों को
हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चंस करा रही हूँ। लास्ट वाले लेक्चर्स की बात करें तो उसमें स्पीड रेशियो और आपका स्पेसिफिक स्पीड की पूरी टेबल मैंने आप लोगों को लिखाई थी और हेड के क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुके हैं, तो इसको तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। पेल्टन आंसर जाना चाहिए, फ्रेंसिस आंसर जाएगा, कैपलन आंसर जाएगा या नन ऑफ दी अबव आप लोगों का आंसर जाएगा। सभी स्टूडेंट्स आंसर जरूर करें, आंसर्स प्लीज फास्ट। और सभी लोग अपनी प्रेजेंस भी जरूर मार्क करें। देखिए तो सभी लोग पेल्टन के साथ जा रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर्स की, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। आंसर्स क्या जाएगा, हाई हेड के लिए हमारा जाएगा पेल्टन टर्बाइन। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम हाई हेड की बात करते हैं तो हाई हेड में हमारा आ जाता है पेल्टन। इसी तरीके से अगर हम लोग कहें ग्रेटर देन 300 मीटर के लिए हम लोग कहते हैं, इसी तरीके से यहीं पे उल्टा हो जाता है कि अगर स्पेसिफिक स्पीड बोला जाए कि सबसे कम किसकी है, तो स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम किसकी आती है, पेल्टन की आती है। इसी तरीके से कैपलन के लिए अगर बोला जाए तो कैपलन को हम कहते हैं कि ये हमारा लो हेड के लिए टर्बाइन है, और अगर इसकी स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रेंसिस कितने से कितने हेड तक आप लोगों की वेरी करती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंसिस हमारी 600 से लेके 300 मीटर तक वेरी करती है। इसके बाद 300 से ज्यादा में हम लोग किसके साथ जाते हैं, पेल्टन के साथ, और 0 से 30 मीटर की अगर हम बात करते हैं तो कैपलन प्रोपेलर आप लोगों की आ जाती है, 30 से 60 में प्रोपेलर आ जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलिए ठीक है। और जो यूथ में आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपका नंबरिंग तो मुझे याद नहीं है, जो आप लोगों का इरिगेशन का क्वेश्चन था उसमें अवॉइड है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर अवॉइड होगा तब जाके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अदरवाइज नन ऑफ दी अबव आंसर राइट होगा। तो आप लोगों ने बताया उस चीज को बहुत अच्छे, मतलब आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन के साथ। द गुडरिच मेथड इज यूज्ड फॉर, अगर गुडरिच मेथड की बात करें तो ये गुडरिच मेथड हमारी किसके लिए यूज होती है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट आंसर्स करके बताते हैं। अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है, आंसर्स करो कि गुडरिच मेथड हमारी किसके लिए होती है। देखो आपको क्या बोला गया कि गुडरिच मेथड हमारी किसके लिए यूज होती है, ऑप्शन नंबर ए है कि रिजर्वॉयर कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए होती है, बी आप लोगों का है फ्लड राउटिंग के लिए, एन सी है रिजर्वॉयर सेडिमेंट इवैल्यूएशन के लिए, एंड डी है आप लोगों का ट्रैप एफिशिएंसी। तो क्या आंसर्स मार्क करना चाहिए आप लोगों ने, सभी लोग आंसर्स जरूर करें। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। तो अजय जी का बी आंसर, प्रियंका जी का बी आंसर, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे। फ्लड राउटिंग आप लोगों का करेक्ट आंसर जाएगा, इट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। काफी लोग बी के साथ है भाई, बहुत ही अच्छे। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियस हेल्थ इशू इन अ केस ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व इन टनलिंग ऑपरेशन। कहने का मतलब जो टनल में काम करते हैं उन वर्कर्स के, जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ इशू की अगर बात करते हैं तो उनको कौन सी डिजीज हमें देखने को मिलती है, निमोनिया, डिफनेस, सिल्कोसिस या जॉइंटिस हो जाता है। अब देखने वाली बात है कि इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट आंसर्स करके बताते हैं। सभी लोग आंसर्स करके बताओ कि टनल के ऑपरेशन में कौन सा ऐसा हेल्थ इशू आ जाता होगा, कौन सी ऐसी बीमारी आ जाती होगी। बहुत अच्छे सभी लोग, बहुत अच्छे आंसर्स के साथ। यहां पे मैं देख रही हूं अजय जी का सबसे पहले आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छे। अब इस क्वेश्चन का आंसर्स करें, देखिए तो यहाँ पे देखो सी आंसर्स के साथ जो जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार आंसर्स कर रहे हैं। एफजे उत्तराखंड जी, रवि जी, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर्स करेक्ट जाएगा, डिफनेस नहीं होता भाई, ठीक है। आंसर्स क्या होता है, टनलिंग ऑपरेशन में सिल्कोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर सिल्कोसिस की प्रेजेंट हमको कैसे देखने को मिलती है, सिलिका के प्रेजेंट से हम लोगों को देखने को मिलती है, सिलिका के प्रेजेंस से देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम क्या होती है, इस प्रॉब्लम में हम लोगों को लंग डिजीज होने लगती है। ये हमारे किस में इफेक्ट करती है, लंग्स में इफेक्ट करती है। तो जो टनल्स में काम करते हैं उनको हम लोगों को देखने को मिलता है कि सिल्कोसिस की प्रॉब्लम, लंग डिजीज होती है। 14 पे चलते हैं, आप देखते हैं ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है कि अगर हम लोग बात करें इक्वल इक्वल डीप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट्स को मिलाते जा रहे हैं इक्वल डीप में, तो इसे हम लोग एक्लिनिक लाइन कहेंगे, आइसोजेनिक कहोगे,
एजोनिक कहोगे या आइसोक्लिनिक कहोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के वन लाइनर है, बस बात यह है कि आप लोगों ने पढ़ना बहुत ज्यादा है। क्या आंसर्स करेंगे? यस, सीमेंट की फैक्ट्री में भी यही होता है। तो सभी लोग डी आंसर्स कर रहे हैं, आइसो क्लीनिंग, और काफी लोग आंसर्स कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, एग्योनिक, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं द लाइंस पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप, क्या बोला गया, और काफी लोग कर रहे हैं बी आंसर्स, डिप बोला गया। और अगर इक्वल इक्वल डिप को मिलाते हुए लाइन को आप लोग बना रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो क्लीनिक लाइन्स आप लोग कहते हैं। इसी तरीके से अगर जीरो डिप हो गया तो जीरो डिप में हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी एक्लिनिक लाइन होती है। इसी तरीके से आइसोजेनिक क्या कहते हैं, जब इक्वल इक्वल डिक्लिनेशन को हम लोग मिला रहे होते हैं। और इसी तरीके से एगोनिक किसे कहते हैं, जहां पे जीरो जीरो डिक्लिनेशन को मिलाते हुए लाइन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे अगर डिप बोला गया है तो आइसोक्लिनिंग आप लोगों का करेक्ट आंसर जाना चाहिए। क्लियर है सभी लोगों को? तो आप लोगों ने गलत नहीं करना है और सही आंसर्स मार्क करना है। आगे चलें 15 क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं। एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस इज एन, एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस हमारी कैसी प्रोसेस है? देखो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर्स करेंगे उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है। अब आंसर्स करके बताओ कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। फिफ्टीन का बी आंसर्स आ गया है, सी भी आ गया, बहुत अच्छे। क्या आंसर जाना चाहिए? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम है, और जो बी कर रहे हैं वो तो बहुत ही महान है, एनारोबिक अटैचमेंट ग्रोथ सिस्टम कर रहे हैं। सी है एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, एंड डी है एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का क्या आंसर जाएगा? देखो महान कौन है, जो ऑप्शन नंबर बी को कर रहे हैं। क्या आंसर्स करेंगे यहाँ पे? देखिए तो ए आंसर्स आ गया है, सी आ गया है, बहुत अच्छे, और जो सी को भी कर रहे हैं वो भी बहुत महान है। अब बाकी सब लोग कह रहे हैं ए होगा। एफ जी उत्तराखंड जी के आंसर्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। अभिषेक कुमार जी यहाँ पे डी आंसर्स कर रहे हैं, रवि मौर्य जी डी आंसर्स, इंजीनियर सौरभ सिंह जी डी आंसर्स, बहुत ही शानदार भाई। जितने भी डी वाले हैं इनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है। एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस की बात करें, पहली बात तो एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिख जाएगा आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में। ध्यान रखेंगे एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस पहली बात तो एरोबिक है। क्या है? एरोबिक है, एरोबिक प्रोसेस है। सारी की सारी प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एक सेप्टिक टैंक और आप लोगों का सेप्टिक टैंक होता है जो कि हमारी एनारोबिक प्रोसेस में शामिल होता है जब हम सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब हमारे पास आंसर्स होता है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जब एरोबिक है तो आंसर्स आपका या तो ए जाएगा या तो डी जाएगा। अब देखो आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे? देखो ध्यान रखेंगे अगर हम लोग अटैच्ड ग्रोथ की बात करते हैं, तो अटैच ग्रोथ में हमारे पास आ जाते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर्स और आपके पास आ जाता है RBCs, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं जब हम लोग अटैच ग्रोथ की बात करते हैं। अब मीनिंग क्या है अटैच ग्रोथ का? अटैच ग्रोथ का मीनिंग ये है कि जो भी हमारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, उसके बाद एंडोजीनियस रेसिप्रेशन हो रहा है, तो उसके बाद हम लोगों को एक लेयर देखने को मिलती है जिसे हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। तो इस स्लाइम लेयर की वजह से वो लेयर हमको क्या देखने को मिल रही है, उसी के अंदर देखने को मिल रही है जब हम क्या देख रहे हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर की प्रोसेस को देख रहे हैं, तो स्लाइम लेयर बन रही है, तो इसको हम लोग अटैच्ड ग्रोथ कहते हैं क्योंकि ये स्लाइम लेयर क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिकलिंग फिल्टर और आरबीसी को आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो कि ये हमारे अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, और दोनों के दोनों आपके एरोबिक हैं, तो एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम आप लोगों का आंसर जाता है। अब यहाँ पे है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात कर लें और ऑक्सीडेशन पॉन्ड की बात कर लें।
और हम लोग ऑक्सीडेशन पॉन्ड की बात कर लें, ये दोनों क्या रहते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ में रहते हैं। कहने का मतलब इन दोनों प्रोसेस में जो भी आप लोगों के बैक्टीरियाज होते हैं वो सस्पेंडेड प्रोसेस में रहते हैं, मतलब फ्लोट करने में लगे रहते हैं, वो एकदम से आपके अटैच नहीं हो रहे, ना ही वो सेटल हो रहे हैं, ना ही वो हमें ऊपर की लेयर में देखने को मिलते हैं, तो वो सस्पेंडेड ग्रोथ में रहते हैं। और वो जब उसके बाद जब वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जब वो खा लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग उनको क्या करते हैं, या तो आप लोग कुछ कर सकते हैं, क्लोरीनेशन वगैरह, डिसइंफेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है सस्पेंडेड नाम आप लोगों का इसलिए हुआ क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, और यहाँ पे क्या रहती है, स्लाइम लेयर आप लोगों की रहती है, मतलब कि अटैच हमारे रहते हैं। इसलिए आंसर्स क्या जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा कि एक्टिविटी स्लैश प्रोसेस आप लोगों की एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम होता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को कौन राइट आंसर्स करके बताते हैं, सभी लोग आंसर्स जरूर करें। आंसर्स करो, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा हमारा एग्जाम्पल है जो कि नॉन रिजिड डैम का है, ये आर्च डैम है, टिम्बर डैम है, स्टील डैम है या रॉकफिल डैम है। और ध्यान रखेंगे स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में थ्योरी ज्यादा आती है, ए की एग्जाम्स में, और साथ ही साथ बहुत वाइड थ्योरी आती है, मतलब कि आप लोगों को जितना भी सिलेबस दिया गया है कमीशन के अकॉर्डिंग उसके एक एक वर्डिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों के आंसर्स मार्क होंगे। करेक्ट, यहाँ पे आंसर्स करो, देखे तो बी आंसर्स करें टिम्बर डैम, बहुत ही अच्छे। देखिए तो अदनान जी का यहाँ पे डी आंसर आ रहा है, ज्योति जोशी जी का रॉकफिल आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। सोनाली जी का डी आंसर, वेरी नाइस। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन रिजिड डैम और रिजिड डैम में अंतर क्या होता है, रिजिड डैम का मतलब क्या होता है, रिजिड डैम अगर आप लोगों से बोला जाता है तो रिजिड डैम का मतलब है कि वो रिजिड मटीरियल से बना है, क्या बना है, रिजिड मटीरियल से बना है। और जब हम लोग रिजिड मटीरियल की बात करते हैं तो उसमें हमारे सीमेंट, कॉन्क्रीट, टिम्बर, स्टील सब आ जाते हैं, सीमेंट, कॉन्क्रीट, टिम्बर, आप लोगों की ये सारी चीजें वहां पे आती हैं। लेकिन जब हम रॉकफील्ड की बात करते हैं तो रॉकफील्ड में हमारा क्या है कि कुछ भी आप लोग ऐसी जो भी चीज वहां पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डैम को बना देने, क्या है तो टेम्परेरी की तरह। या अर्दन डैम की बात करें तो अर्दन डैम हमारे एक तरीके से नॉन रिजिड डैम में आते हैं कि कोई भी चीज हमारी अवेलेबल है उसको हमने एक टेम्परेरी तौर पे हम लोगों ने डैम बना दिया रॉकफिल मटेरियल से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नॉन रिजिड डैम बोलते हैं। जब रिजिड मटेरियल्स आप लोगों के ये सारे होते हैं तो आर्चेस क्या आप लोगों ने कभी ऐसी किसी भी मटेरियल से बनते हुए देखा है, नहीं, एक प्रॉपर मटेरियल से आप लोगों को आर्च डैम बनते हुए देखने को मिलेगा। इसी तरीके से टिम्बर डैम भी आपका मटेरियल है और स्टील डैम भी हमारा मटेरियल है, तो नॉन रिजिड डैम क्या है, रॉकफिल डैम है। सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स कर रहे हैं, आंसर्स क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। अब भाई सभी स्टूडेंट्स पढ़ लो, और अब तो पढ़ लो, ठीक है, चलो पहले तो आप लोगों ने मजाक मस्ती कर भी ली, अब तो एग्जाम्स हो रहे हैं, अब तो आपके सर में एग्जाम है, आंसर्स क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 पे चलते हैं, सरचार्ज स्टोरेज जोन ऑफ अ रिजर्वायर इज, आप लोगों से बोला गया है सरचार्ज स्टोरेज जोन जो है हमारे रिजर्वायर्स में ये कौन सा जोन होता है, डेड स्टोरेज से नीचे है या डेड स्टोरेज एंड यूजफुल स्टोरेज के बीच में है या यूजफुल स्टोरेज से अबव है या इसे हम लोग वैली स्टोरेज भी कहते हैं। सभी लोग आंसर्स करके बताएं। देखिए तो सी आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। देखो आप लोगों को मैंने क्या बताया, अगर हम लोग रिजर्वॉयर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है ये हमारा मिनिमम में आ गया, ये हमारा मैक्सिमम पूल में आ गया, ये हमारा यूजफुल आ गया, ये हमारा यूजफुल स्टोरेज आ गया, और इसके जस्ट नीचे हमारा कौन सा स्टोरेज आ गया, डेड स्टोरेज आ गया, और इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके ऊपर हमारा सरचार्ज स्टोरेज आ जाता है। और जब इसके ऊपर हमारा सरचार्ज स्टोरेज आ जाता है तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो सरचार्ज स्टोरेज जोन है वो हमारे यूजफुल स्टोरेज से क्या है, अबव है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके एनवायरनमेंट से पूछ लिया है। एनवायरनमेंट तो आप लोगों को वैसे भी बहुत आती है, तो आंसर्स करके बताओ कि रॉ वाटर की टर्बिडिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? क्या इसके सस्पेंडेड सॉलिड्स में मेजर करते हैं, एसिडिटी ऑफ वाटर, बीओडी, नन ऑफ दीज? सभी स्टूडेंट्स आंसर जरूर करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए? क्या होती है टर्बिडिटी, क्या होती है? इतना बता दिया, गंदलापन, कौन से सॉलिड से देखने को मिलता है? आप सभी लोग ये आंसर्स के साथ बहुत ही बढ़िया। मैंने क्या बताया कि टर्बिडिटी की बात करते हैं तो टर्बिडिटी हमें सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलॉइडल सॉलिड से देखने को मिलती है। तो आंसर्स आप लोगों का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। 19 पे चलते हैं। बोला गया है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अगर हम वेलोसिटी बात करते हैं फ्लो ऑफ वाटर की, वो भी हम किसके लिए बोल रहे हैं? प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक के लिए बोल रहे हैं। तो प्लेन सेडिमेंटेशन वाटर टैंक के लिए आप लोग क्या कहते हैं कि जो वेलोसिटी होती है पानी की, वो जनरली हम लोग कितनी रखते हैं? 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 10 सेंटीमीटर पर मिनट, 20 सेंटीमीटर पर मिनट या 30 सेंटीमीटर पर मिनट आंसर करेंगे? बहुत अच्छे, यहाँ पे मैं देख रही हूँ अदनान जी, यशवंत जी, ज्योति जी, इंजीनियर सौरभ सिंह जी, प्रताप जी, पायल जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं। चलो भाई, एनवायरनमेंट में अब आपको डर नहीं लगता क्योंकि आप लोगों ने एनवायरनमेंट में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी आगे भी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा चीजें आप लोगों को गेन होगी। इस क्वेश्चन को क्या आंसर्स करेंगे? देखिए, जो डी आंसर्स कर रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ है, 10 सेंटीमीटर पर मिनट। 19 की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर जाएगा कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में जो वेलोसिटी हम लोगों को देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है 30 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आंसर्स ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्ट स्टोरेज इज द सेम एज। सिल्ट स्टोरेज आप लोगों का किसके जैसा है? डेड स्टोरेज के जैसा है, लीव स्टोरेज के जैसा है, इफेक्टिव स्टोरेज की जैसा है, या नाना ऑफ दीज? यहाँ पे आंसर्स मार्क करो। सभी लोग आंसर्स करें सिल्ट स्टोरेज का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, बीएमसी भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने करा है। आने वाले टाइम में आप लोग क्वेश्चंस करोगे एनवायरमेंट के खुरमी और गुप्ता से, तो आप लोगों के यूथ में ही वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? और इस वाले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस पेपर्स कर लेंगे, फिर हम गुप्ता एंड गुप्ता को स्टार्ट करेंगे। हाईवे एंड रेलवे को बहुत अच्छे से करेंगे वहां पर। आंसर्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही शानदार। सिल्ट स्टोरेज हमारा किसकी सेम देखने को मिलता है? डेड स्टोरेज देखने को मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है रिजर्वॉयर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे नीचे लेवल हमारा होता है डेड स्टोरेज का। तो जो भी हमारे सिल्ट के स्टोर होगा, जो भी हमारा सिल्ट सेटल होगा, वो कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल देंगे? सिल्ट स्टोरेज बोल देंगे, क्योंकि रिजर्वॉयर्स के लेवल की बात करते हैं तो सबसे नीचे कौन है? डेड स्टोरेज। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका जाएगा। आगे चलते हैं 21 की तरफ। देखो, आप लोगों से बोला गया है जीआई मेथड जो है, ग्रुप इंडेक्स मेथड। तो जीआई मेथड आप लोगों से बोला गया है कि हम फ्लेक्सिबल मेथड के लिए यूज करें इसको, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। तो ये हमारी एक थ्योरेटिकल मेथड है या एक हमारी एम्पिरिकल मेथड है, जो कि हमारी सबग्रेड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। या ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे या ऑप्शन नंबर डी के साथ करोगे? सभी लोग आंसर्स करें फटाफट से। गुप्ता एंड गुप्ता का सेशन भी बहुत जल्द हो जाएगा आप लोगों का, इसी सेशन में ऐड करेंगे। अभी आंसर्स करो कि जीआई मेथड कौन सी मेथड है आप लोगों की। देखो, जैसे हम लोग सीबीआर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर जब हम लोग पेमेंट की मेथड्स में जाते हैं तो वहां पे सीबीआर मेथड्स भी आती है। बेसिकली क्या होता है कि जीआई मेथड जो आप लोगों की है, हम लोग क्या करते हैं, पहले जीआई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सभी को पता है, मैंने क्वेश्चंस भी आप लोगों को बहुत बार कराए हैं कि 0.2a प्लस 0.005 ac प्लस 0.01 bd। इस तरीके से हम लोग जीआई की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाती है, उसके बाद हमारे पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। जब हम लोग हाईवे 2 पढ़ते हैं, जब बीटेक में पढ़ते हैं, बेसिकली डिप्लोमा वाले पता नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, बीटेक में जब अगर हम लोग देखें, जब हम हाईवे 2 को पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास सारी की सारी पेमेंट की मेथड्स आती हैं कि कैसे हम थिकनेस ऑफ द पेमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ पे जीआई मेथड, सीबीआर मेथड, ठीक है, बर्मिस्टर मेथड, ट्राइएक्सियल मेथड, बहुत सारी मेथड्स आती हैं। क्या आंसर्स करोगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ करें, बहुत अच्छे। 21 में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी एक एम्पिरिकल मेथड है, जो कि हमारी सबग्रेड की क्या करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। तभी तो हम लोग यहाँ पे जीआई का क्या लगा देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं 0.2a प्लस 0.005 ac
प्लस 0.01 बी इंटू डी। अब जब ये सारे कांस्टेंट है ए सी बी डी, ये सारे के सारे हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारी सबग्रेड की सॉइल होती है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। तभी तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि लिक्विड सी क्या है हमारा, लिक्विड लिमिट माइनस 40। तो ये लिक्विड लिमिट कहाँ से आई, ये लिक्विड लिमिट हमारी सबग्रेड की सॉइल की लिक्विड लिमिट है, ठीक है। इसी तरीके से डी में हम लोग कह देते हैं आईपी माइनस 10। ये कैसे कह रहे हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट हो रहा, किसका कैलकुलेट हो रहा, सबग्रेड की सॉइल का। और पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे सभी लोग आंसर्स करें। चलो अब आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए, देखो क्या बोला गया है। When the width of the car parking space and the width of the street are limited, generally preferred parking system is। कहने का मतलब स्पेस जो है हमारे पास स्पेस क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, और हमारे पास विड्थ भी लिमिटेड होगी। कौन सी पार्किंग को आप लोग प्रेफर करोगे, पैरेलल पार्किंग कहने का मतलब 0 डिग्री पार्किंग को 45 डिग्री के एंगल पे करोगे, 65 डिग्री पे करोगे या 90 डिग्री पे करोगे। तो देखिए दोस्त, कुछ लोग डी आंसर्स कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पाएंगे, बहुत ही बढ़िया। क्या आंसर्स करना चाहिए 22 में आप लोगों ने, देखो काफी लोग ए के साथ, काफी लोग 90 डिग्री के साथ। अब देखो आपको पता है कि इसकी विड्थ कम है, तो आप लोग अपनी गाड़ी को ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाएंगे मेरे ख्याल से। और जब ऐसे लगाओगे तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये कौन सी, अगर हम इस तरीके से गाड़ियों को अपने लगा रहे हैं पार्किंग को, तो ये क्या है, 0 डिग्री एंगल पार्किंग है। अगर इस लाइन के अलोंग देखें तो ये कौन सा एंगल बना रही है, 0 डिग्री तो बना रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल पार्किंग बोलते हैं। जब हमारी क्या है, कार की पार्किंग का स्पेस काफी लिमिटेड है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अभी देखो 90 डिग्री के साथ है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट वाटर एब्जॉर्प्शन की बात पूछी गई है एग्रीगेट की। एग्रीगेट की वाटर एब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर्स क्या जाना चाहिए। क्या बोला गया है कि वाटर एब्जॉर्प्शन अगर हम लोग किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 0.4% होना चाहिए, 0.6% होना चाहिए, 0.8% होना चाहिए या 1% होना चाहिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए तो ए और बी सभी आंसर्स आ चुके हैं, देखो भाई इसमें गलती नहीं करेंगे। अगर हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आप लोगों का 0.6% हमारा मैक्सिमम लिमिट रहती है वाटर एब्जॉर्प्शन की, जब हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.6%। 24 पे चलते हैं। सेटबैक डिस्टेंस के लिए बोला जाए कि ये सेटबैक डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है, किस किस के बीच में, रोड लेंथ बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच में, रोड लेंथ बाउंड्री एंड कंट्रोल लाइन, बिल्डिंग लाइन एंड कंट्रोल लाइन, या ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। तो यशवंत जी, अनुज जी, रवि जी, प्रियंका जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, अनुज कुमार जी, वर्षा नेगी जी, पवन जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो क्या जाना चाहिए। सेटबैक डिस्टेंस कौन कौन सी डिस्टेंस देखने को मिलती है, जनरली जो सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाती है वो हिली एरियाज में कराई जाती है। हिली एरियाज में हम लोग देखते हैं बिल्डिंग्स वगैरह काफी होती है, रोड के लिए आपको प्रॉपर विड्थ नहीं मिल पाती है, तो हम लोग क्या आंसर्स मार्क करेंगे। देखे दो सी आंसर्स आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और कुछ लोग यहाँ पे बी आंसर्स करें, कंट्रोल लाइन। ये क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग हर बार गलत करते हैं। सोनाली जी का ए आंसर्स आ रहा है भाई, वेरी गुड, वेल डन। आंसर जाएगा रोड लेंथ बाउंड्री एंड बिल्डिंग लाइन के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग सेटबैक डिस्टेंस कहते हैं। सपोज वहां पे कोई बिल्डिंग है, उसकी उसकी और रोड की हमारी बाउंड्री लेंथ है, उस दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कहलाती है आपकी सेटबैक डिस्टेंस कहलाती है। वहां पे कंट्रोल लाइन का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। वहां से हम लोग देखते हैं कि अगर किस तरीके से वहां पे, क्योंकि रोड की विड्थ कम होती है हिली एरियाज में, तो अगर कहीं पे हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह आ रही है तो वहां से तक की डिस्टेंस लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था और पहले भी आप लोगों ने रॉन्ग करा था। 25th में चलते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन आंसर्स करेंगे 25th में। ठीक है, दोबारा से आप लोगों का क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड विथ।
चलिए पहले 26 पे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है, चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड विद। देखो जब अगर हमारी क्या है विद की स्पेस कम है तो तब तो हम लोगों ने कहा बहुत कंजेस्टेड एरिया है तो मैक्सिमम हमारे कहां पे पार्क होंगे, तो हमने कहा पैरेलल पार्किंग में होंगे। अब आपसे बोला गया है कि अगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि स्पेस हमारे पास लिमिट है, जब स्पेस लिमिटेड है, ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, अगर स्पेस हमारा लिमिटेड है, स्पेस हमारा कम है, तो हम क्या कहते हैं अगर स्पेस कम है तो हमारी पैरेलल पार्किंग सबसे अच्छी है। वहां पे क्या है कि आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं क्योंकि विड्थ ही कम है। अगर आप लोगों से बोला जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कहाँ पे पार्क होती है, पैरेलल में होगी, स्पेस का कोई भी नहीं दिया गया है कि स्पेस लिमिटेड है, स्पेस यहाँ पे क्या है प्रॉपर ज्यादा ही है, ऐसा नहीं है कि रोड की विड्थ में कुछ असर पड़ रहा है, तो पैरेलल पार्किंग आंसर्स करोगे 33 एंगल पार्किंग, 45 या 90 डिग्री के साथ जाओगे। बहुत अच्छे भाई, आप सब लोग 90 डिग्री के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री इसलिए कहा कि स्पेस वहां पे कम है, इसलिए 0 डिग्री में ज्यादा आपके व्हीकल्स पास हो जाते, लेकिन अगर वैसे देखें तो 90 डिग्री एंगल में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पास होंगे। 26 पे चलते हैं, बिटुमिन की डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं, आंसर्स करके बताओ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा। देखो डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन की बात हो रही है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, किससे कम नहीं होनी चाहिए डक्टिलिटी वैल्यू, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, सभी लोग आंसर जरूर करें। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जब हम बिटुमिन की बात करते हैं और उसकी डक्टिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि जितना आप लोगों को डक्टाइल मटेरियल, जितनी वैसे भी यही बात है कि बिटुमिन की डक्टिलिटी जितनी अच्छी होगी उसकी क्वालिटी इतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। तो आप लोग आंसर्स करके बताओ, शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। देखो 60 सेंटीमीटर भी आ रहा है और बी आंसर आ रहा है 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर वालों ने डक्टिलिटी वैल्यू को कब पढ़ लिया, 26 में अगर हम लोग बात करते हैं तो आंसर्स क्या जाना चाहिए, सभी लोग आंसर्स करो 50 सेंटीमीटर के साथ, बहुत ही शानदार, कुछ ही हैं जो 50 के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। आज आप लोग इतने मिस्टेक्स कैसे कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आगे चलते हैं 27 के साथ, रिकरेंसेस। रिकरेंसेस इज बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ, आप लोगों से बोला गया है अगर हम सर्वे की अगर स्टेजेस की बात करते हैं, सबसे पहली स्टेज हमारी रिकरेंसेस ही होती है। तो रिकरेंसेस हम लोग किससे करते हैं, फोटोग्राफिक सर्वे से करते हो, कैडस्ट्रल सर्वे से करते हो, टोपोग्राफिक सर्वे से करोगे या ट्रायंगुलेशन सर्वे से करोगे, देखते हैं आप में से कौन यहाँ पे करेक्ट आंसर्स करके बताते हैं। सभी लोग आंसर्स जरूर करें, क्या आंसर जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे कैडेस्ट्रल भी आ चुका है और ऑप्शन नंबर ए भी आ चुका है, अजय कुमार जी, अनिश कुमार जी देखें तो ए के साथ जा रहे हैं, सूरज जी ए के साथ, वेरी गुड, वेल डन। आंसर्स क्या जाएगा, देखो टोपोग्राफिकल सर्वे करेंगे। रिकरेंसेस का मतलब जब है कि हम लोग स्टार्टिंग में जो सर्वे कर रहे हैं, जैसे सॉइल की सर्वे कर रहे हैं या वहाँ की लोकेलिटी की सर्वे कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोटोग्राफिक से सर्वे करेंगे। आंसर्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जाएगा। टोपोग्राफी की सर्वे क्यों करने लगोगे, पहले तो हम लोग स्टार्टिंग में आप लोग क्या देखेंगे, सॉइल की सर्वे करोगे, आप लोग ऊपर से देखोगे कि किस तरीके से वहां लोकेशन है। रिकरेंसेस मतलब किसी भी सर्वे का स्टार्टिंग पॉइंट। आगे चलते हैं 28 के साथ, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों के अकॉर्डिंग इन में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो ये तो आप लोगों का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन रॉन्ग करते हैं। एनर्जी, मास, मोमेंटम, एंगल, आप लोगों के अकॉर्डिंग वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, जिसमें कि हम लोग क्वांटिटी के साथ साथ क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं। देखो टोपोग्राफिकल से पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फोटोग्राफिक सर्वे करते हैं, चलो सी होना चाहिए, तो सी वालों को फिर बाद में आंसर्स करेंगे, अभी आंसर्स करो 28 के साथ। कि वैसे भी कमीशंस के द्वारा जो आंसर्स किया था वो फोटोग्राफी की था और मेरे अकॉर्डिंग भी फोटोग्राफी की राइट आंसर जाना चाहिए। अब 28 में आंसर्स करो कि यहाँ पे क्या आंसर्स होगा। देखिए तो सभी लोग मोमेंटम के साथ आंसर्स करें, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आंसर जाएगा मोमेंटम। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो हम लोग क्या करें, डायरेक्शंस को भी यहाँ से फाइंड आउट कर पाते हैं, तो हम लोग मोमेंटम आंसर्स करते हैं। एनर्जी, मास, एंगल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारी की सारी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। 29 पे चलते हैं,
द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो ऑलवेज रिमेन्स, अगर हम लोगों से पॉइजन रेशियो का पूछा जाता है तो ये 1 से बड़ा होता है या ये लेस देन 1 होता है या इक्वल्स टू 1 होता है या नॉन ऑफ दीज आप लोगों का आंसर जाएगा। देखो पहले तो फोटोग्राफिक होना चाहिए कायदे से, उसके बाद ही टोपोग्राफिक होगा। अब आंसर्स वहां से ये गया है और मुझे मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग भी यही आंसर्स राइट होना चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग जो आंसर्स राइट होगा फिर उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आंसर्स करो कि पॉइजन रेशियो ऑलवेज हमारा किस क्या रहता है, वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो ये 1 से ज़्यादा रहती है या 1 से कम रहती है या 1 के बराबर रहती है या नॉन ऑफ दीज आंसर्स मार्क करोगे। आप सभी को पता है पॉइजन रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, तो क्या आंसर जाना चाहिए? सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं, बहुत ही शानदार आंसर्स। आप सभी को पता है पॉइजन रेशियो की अगर हम बात करें तो 0 से 0.5 तक हमारी वैल्यू होती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पॉइजन रेशियो की बात करें कि ये क्या है, रिमेन्स हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0.5 तक रहती है, तो हमारा क्या आंसर चला जाएगा? लेस देन 1 आप लोगों का पॉइजन रेशियो का आंसर जाएगा। कोई परेशानी यहां तक? वेरी गुड, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं। द एवरेज आउटर्न ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रेक इन क्लैम्प बर्निंग इज अबाउट, कहने का मतलब क्लैम्प बर्निंग से हमें कितना एवरेज आउटर्न देखने को मिलता है फर्स्ट क्लास ब्रेक का, 50%, 60%, 70%, 80%। तो 60% के साथ जाते हुए चेतन सिंह जी, मिन्नी चौहान जी, सौमिक जी, श्यामदास जी, वेरी गुड, आंसर क्या जा रहा है? 60%, बहुत अच्छे। देखो हम लोगों से बोला गया है अगर हम लोग क्लैम्प बर्निंग करते हैं, क्लैम्प बर्निंग मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे हमारी क्या लग रही है, लो इनिशियल कॉस्ट लग रही है, वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे रूरल एरियाज में हम लोग क्लैम्प बर्निंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है यहाँ से हम लोग 60% तक बना पाते हैं। 60% तक मतलब जो ब्रिक्स आती है वो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, बाकी सभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास की ब्रिक हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर क्लेन में बात करें, क्योंकि क्लेन क्या है आपको पता है कि ये तो हमारे यहाँ पे हाई इनिशियल लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, और साथ ही साथ क्लेन की बात करें तो सभी जगह क्लेन ही आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या है एक साथ बहुत सारी ब्रिक्स हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि क्लैम्प तो क्या है इनिशियल कॉस्ट कम लग रही है और कम ब्रिक ही एक साथ गर्म हो पाती है, लेकिन क्लेन में बात करें तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की गर्म हो पाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि 70 से 80% तक की ब्रिक हमें कहाँ से मिलने को मिलती है, क्लीन से हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए? देखो क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है अगर हम कॉन्क्रीट लाइन कैनाल की बात करते हैं या कॉन्क्रीट कैनाल की बात करते हैं, कॉन्क्रीट लाइन कैनाल की बात करें या कॉन्क्रीट कैनाल की बात करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड नॉट एग्जिट, कहने का मतलब जो पानी की वेलोसिटी होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा नहीं एग्जिट करनी चाहिए, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5, 2 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली ये लाइन कैनाल के रेफरेंस में ही क्वेश्चन बना है कि लाइन कैनाल में कितनी परमिसिबल वेलोसिटी होनी चाहिए। सभी लोग आंसर्स करो भाई फटाफट से। 31 में आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए? देखे तो ए आंसर्स आ चुका है 0.5 और बी आंसर्स भी आ गया 1, क्या आंसर्स करेक्ट होगा? देखे तो अनिल जी का यहाँ पे सी आंसर्स आ रहा है, बहुत ही शानदार आंसर जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर जाएगा जब अप्रोक्सीमेट परमिसिबल वेलोसिटी पूछा गया है। आगे चलते हैं 32 के साथ। बोला गया ऐसी स्टेयर्स कौन सी है, ऐसी सीढ़ी कौन सी है जो सबसे कंफर्टेबल टाइप की लगती है, स्ट्रेट स्टेयर्स को सबसे कंफर्टेबल कहोगे, डॉग लेग को, ज्योमेट्रिकल को, ओपन न्यूअल को, सभी लोग आंसर जरूर करें। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए? डॉग लेग आंसर्स कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, कुछ ज्योमेट्रिकल भी आंसर्स कर रहे हैं सी, बहुत ही बढ़िया, आंसर्स क्या जाएगा? ओपन न्यूल। ओपन न्यूल हमारी सबसे क्या होती है, कंफर्टेबल टाइप की स्टेयर्स होती है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर जाना चाहिए। 33 में चलते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं। पर्ट टेक्निक अगर हम बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस की, और इसका मैंने सीपीएम वर्ड का आप लोगों को
एक क्लास में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। देखते हैं पर टेक्निक में आप लोग में से कौन राइट आंसर्स करके बताते हैं। देखो पर टेक्निक की बात हो रही है और आपसे बोला गया है कि ये किसके लिए यूजफुल होगी, बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल होगी, या लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, या डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज के लिए। सभी स्टूडेंट्स आंसर्स करो कि पर टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस मेनली यूजफुल फॉर। आंसर्स करके बताएं। देखे तो अभिषेक जी का रिसर्च आंसर्स आता हुआ, बाकी सब लोग डिटर्मिनिस्टिक के साथ भी हैं। यशवंत जी सी आंसर्स के साथ, मानुराजपुर जी सी के साथ, सौमिक जी सी के साथ, वेरी गुड। आंसर्स क्या जाएगा भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जाएगा। डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज, वेरी गुड। पर्ट का डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज कैसे हो सकता है? पर्ट में हम लोगों ने बोला था कि ये हमारी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, एक प्रोबेबिलिटी है। बताया भी था मैंने COVID-19 की वैक्सीन एक प्रोबेबिलिटी तो है, अभी तक आई नहीं। तो क्या आंसर्स करोगे यहाँ पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? पर टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज तो किसी भी हाल में नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें हमें हमारी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले इतने टाइम पीरियड में हमारा काम पूरा हो पाएगा। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट लार्ज प्रोजेक्ट ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आंसर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ। तो जितने लोग भी सी के साथ हैं, बहुत ही अच्छे आंसर्स के साथ, वेल डन कैपिटल। 34 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इवेंट। अब देखने वाली बात है कि इसको कौन करेक्ट करते हैं। बोला गया है कि इसमें से ऐसा कौन है जो कि एक इवेंट को शो करता है, और इवेंट कौन से होते हैं? इवेंट वो होते हैं जो कि स्टार्ट और एंड ऑफ द एक्टिविटी को बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट नोड और एंड नोड को बताते हैं। बीच में जो काम चल रहा है वो हमारी एक्टिविटी है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एक काम करा, तो हम लोगों ने उसे कब स्टार्ट करा ये हमारा इवेंट हो गया, और हम लोगों ने उसे कब खत्म करा ये हमारा टू हो गया, और करा क्या ये हमारी एक्टिविटी हो गई। तो आप लोगों से बोला गया है कि इसमें से हमारा इवेंट कौन सा है। कंक्रीट क्योर, कंक्रीट आप लोगों का प्रॉपर क्योरिंग हो चुकी है। फिक्सिंग ऑफ द डोर, डोर को फिक्स किया जा रहा है। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, वॉल्स में प्लास्टर किया जा रहा है। सेलेक्टिंग साइट्स, साइट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा इवेंट है? सभी लोग सेलेक्टिंग साइट्स के साथ जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे। क्या आंसर जाना चाहिए भाई? यहाँ पे मैं देखूँ तो किसी का भी राइट आंसर्स नहीं है, किसी का भी राइट आंसर्स नहीं है। सब लोग सी और डी के साथ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आंसर्स 34 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इवेंट क्या होता है बोला है? जो एंड ऑफ द एक्टिविटी और आपका स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी के बारे में बताता है। स्टार्ट हो गई है या बता देगा कि खत्म हो गया काम। यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो आपको बता रहा है कि खत्म हो गया? देखे तो यहाँ पे शिव कुमार जी का ये आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। देखो कंक्रीट क्योर बात मतलब कि कंक्रीट क्या हो चुकी है? क्योर हो चुकी है। एंड ऑफ द एक्टिविटी बता दिया कि भाई इवेंट बन गया है कि कंक्रीट क्योर हो चुका है। डोर को फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब भाई चल रही है प्रोसेस, एक्टिविटी है। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, वॉल्स में प्लास्टर कर रहे हैं। सेलेक्टिंग साइट्स, साइट्स को देखा जा रहा है, अभी प्रोसेस चल रही है, मतलब एक्टिविटी हो रही है। हमें नहीं बताया गया है कि स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है। आंसर्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट जाएगा भाई। जो ए वाले वो बहुत ही बेहतरीन आंसर्स के साथ, बाकी लोग कोई बात नहीं, एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले यही सही करके आएंगे। 35 में चलते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर ट्रेटेड एज, अगर हम लोगों से बोला जाए जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें हम लोग रहते हैं, इनको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन में शामिल करते हैं? ये हमारे बहुत ही लाइट कंस्ट्रक्शन है, या ये बहुत हमारे हैवी कंस्ट्रक्शन है, या ये हमारे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है, या ये हमारे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है? सभी लोग आंसर जरूर करें। आंसर्स करके बताएं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हम लोग कैसे, किस में ट्रीट करते हैं? सभी स्टूडेंट्स आंसर जरूर करें कि 35 में आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। ए के साथ जा रहे भाई, बहुत अच्छे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये हम कहते हैं लाइट कंस्ट्रक्शन में इसको शामिल करते हैं। अब जब हैवी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सपोज रेल आप लोगों का, कहीं रेलवे बन रहा है, कहीं पे हाईवे बन रहा है, ये हमारे थोड़े से हैवी कंस्ट्रक्शन में शामिल हो जाते हैं। और हल्के कंस्ट्रक्शन कौन से हैं? जैसे कि घर बन रहा है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलो, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, अब देखते हैं कि कराई हुई चीज कितनी याद रहती है। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जीक्यूटिंग एंड मूविंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट। मैंने आपको इसके सारे
डायग्राम भी बताए थे कि अगर हम मूविंग टाइम इक्विपमेंट की बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है, बुलडोजर, क्लैम सेल, स्क्रैपर, डंप ट्रक। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम से ही बताया था कि कौन सा मूव नहीं करता है। आंसर्स करके बताएं सभी लोग, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए 36 का। डी आंसर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाई। गौरव जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है डी, दिनेश जी का डी आंसर्स, मानु राजपूत जी का डी आंसर्स, सौमिक जी का डी आंसर्स, वेरी नाइस। ये मैंने पढ़ाया था, जो पढ़ेंगे डेली उन्हीं को ही आ पाएगा। क्या बताया था कि डंप ट्रक ऐसा होता है जो कि हमारा क्या है, कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके डायग्राम भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ रेगुलर रहोगे चीजों में तभी आएगी। आज क्लास ली फिर 4 दिन नहीं ली तो फिर ये आप लोगों का खुद का लॉस है। आगे चलते हैं 37 के साथ। अब देखते हैं इसको तो सभी लोग करेक्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है कि फाइनल टेक्निकल ऑथोरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइज विद। कहने का मतलब कि टेक्निकल ऑथोरिटी की अगर हम बात करें, कोई भी प्रोजेक्ट है सबसे एंड पे किसके पास जाता है, सबसे फाइनल कौन है? ए ही सबसे फाइनल है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सबसे फाइनल में हम लोग रखते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को या चीफ इंजीनियर्स को हम लोग सबसे फाइनल में कहते हैं कि सबसे हायर अथॉरिटी जिसे हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो क्या है, चीफ इंजीनियर है या सुपरिटेंडिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। आंसर्स करें भाई फटाफट से। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, मुझे पता था इस क्वेश्चन को कोई भी रॉन्ग नहीं करेंगे। अगर हम टेक्निकल अथॉरिटी में बात करें तो असिस्टेंट, देन फिर एग्जीक्यूटिव एंड उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड देन फिर उसके बाद हमारे चीफ इंजीनियर हमको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि सबसे पहले आप लोगों के JEN आ जाएंगे, देन उसके बाद आपके AEN आ जाएंगे, उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आ जाएंगे, उसके बाद हमारे नहीं सॉरी A के बाद अगर हम देखें तो आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स कहते हैं, देन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो चीफ इंजीनियर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं इसको कौन राइट आंसर्स करके बताते हैं, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल करेक्ट करोगे आप लोग, जिन्होंने पढ़ा होगा वो जरूर करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम अवेल टू डू अ जॉब एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इज नोन एज। कहने का मतलब है आप क्या है, जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे आप अभी पोजिशन में है, आप जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर कन्फर्म जैसे कि कोई ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी ज्वाइनिंग क्या है, अगले मंथ में है, तो आज वो वेट कर रहे हैं और उसके बाद अगले मंथ में उनको ज्वाइनिंग मिल रही है। इन दोनों के बीच में जो टाइम का ड्यूरेशन है ये क्या कहलाता है, ये इवेंट है या फ्लोट है या ये ड्यूरेशन है या कंसंट्रेंट है। सभी लोग आंसर्स करो इस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार आंसर्स भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो अभी ड्यूरेशन भी लग रहा है किसी को, क्या बोला है, ड्यूरेशन कैसे हो सकता है। अगर हम बात करते हैं फ्लोट की, फ्लोट क्या होता है, रिलैक्सेशन। आपने क्या कर लिया, आराम कर रहे हैं आप, क्योंकि आपकी जॉब तो लग चुकी है, बस आप वेट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग आने वाली है अगले मंथ में। तो ये जो वेटिंग टाइम चल रहा है ये क्या है, फ्लोट है, आप लोग रिलैक्स कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं 39 की तरफ। अब आपसे बोला गया है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी होती है, एस्टिमेट को हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या बी हम लोग वहां पे जाके सर्वे करने लग गए हैं या अभी हमने खाली प्रपोजल दिया है, इनिशिएशन ऑफ दी प्रपोजल करा है या हमने टेंडर को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में फर्स्ट स्टेज क्या होती है, आंसर्स करो फटाफट से। क्या आंसर्स मार्क करेंगे, देखे तो डी आंसर्स के साथ जा रहे हैं आप लोग, कुछ लोग ए आंसर्स कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं और सही आंसर्स नहीं आ रहा। 39 में क्या आंसर्स मार्क करोगे, फटाफट से आंसर्स करो। देखे तो नीतीश कुमार जी का सी आंसर्स आ रहा है भाई, कैसे ही? देखो कंस्ट्रक्शन साइट में फर्स्ट स्टेज क्या होगा कि हम लोग पहले प्रपोजल्स बनाए, कैसे गलत कर सकते हो, नाम भी क्या लिखा है, प्रपोजल्स करना।
तो कहने का मतलब ये किसी भी चीज का क्या होता है, इनिशिएशन होता है, स्टार्टिंग होती है। आंसर्स ऑप्शन नंबर सी, इसको भी गलत कर रहे हैं। अब आप कर रहे हो कि टेंडर को प्रिपेयर कर लो, अभी पहले तो प्रपोजल्स दोगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, काम को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आएगा टेंडर, फिर उसके बाद एस्टिमेट करोगे, देन आप सर्वे स्टार्ट करोगे वहां पर। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। काफी कम लोग सी के साथ है, क्या बात है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हम कोहेसिव सॉइल की बात करते हैं कि कोहेसिव सॉइल में हमारा मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इक्विपमेंट कौन सा होता है, सभी लोग आंसर्स करके बताएं कि 40 में क्या आंसर्स मार्क करोगे। आंसर्स करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। तो सभी लोग सी के साथ, वेरी गुड। अगर हम कोहेसिव सॉइल की बात करें, क्ले की बात करें, तो क्ले में हमारा आंसर क्या जाएगा, शिफ्ट फुट रोलर्स ही ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 41 पे चलते हैं। फाइटोमीटर मेथड जो है हमारी, जनरली किसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है, इंटरसेप्शन को, इवेपोरेशन को, ट्रांसपिरेशन को, या नन ऑफ दीज आप लोग आंसर्स मार्क करेंगे। सभी लोग आंसर्स करो कि फाइटोमीटर का क्या आंसर जाना चाहिए। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इवेपोरीमीटर, एटोमोमीटर, ये हमारा क्या है, वो हमारा किसको मेजर करते हैं, इवेपोरेशन को मेजर करते हैं। बताया था कि एटोमोमीटर कह दो या इसी को हम लोग क्या कह दें, इवेपोरीमीटर कह दें, ये सब हमारे क्या मेजर करते हैं, ये हमारे इवेपोरेशन मेजर करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइटोमीटर मेथड जो है वो हमारी क्या मेजर करती है, आंसर्स मार्क करके बताओ। देखे तो बी आंसर्स कर रहे हैं आप लोग, इवेपोरेशन, बहुत ही बढ़िया। क्या आंसर जाना चाहिए, देखें तो यहाँ पे यशवंत जी का सी आंसर, अभिषेक कुमार जी का सी आंसर, वेरी गुड, वेल डन के बेटा, बहुत अच्छे। आंसर्स क्या जाएगा, ट्रांसपिरेशन जाएगा, बहुत गलतियां हो रही हैं। फाइटोमीटर्स में आंसर्स ट्रांसपिरेशन। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल आउटलेट्स मेंटेन्स अ कांस्टेंट डिस्चार्ज, तो ये नॉन मॉड्यूलर आउटलेट है, फ्लेक्सिबल आउटलेट है, रिजिड मॉड्यूल है, या नन ऑफ दी। अब आप लोग आंसर्स मार्क करो, सभी लोग आंसर्स करके बताएं, बहुत अच्छे सभी लोग, वेल डन के बेटा, वेरी नाइस। आंसर्स करो। देखो कांस्टेंट डिस्चार्ज को आप लोगों का मेंटेन कर रहा है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, जीरो है, फ्लेक्सिबिलिटी भी जीरो है, क्योंकि उन सब में क्या आता है, चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर कोर्स, जब डिस्चार्ज ही हमारा कांस्टेंट है तभी तो सेंसिटिविटी जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, ये रिजिड मॉड्यूल है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर। 43 पे चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेक्ट करके बताते हैं। बोला गया है फॉर्म वर्क फ्रॉम दी स्लैब्स एक्सक्लूडिंग प्रॉप्स, कहने का मतलब उसमें सपोर्ट को हटाकर, सपोर्ट को नहीं हटा रहे हैं, बाकी जितना भी फॉर्मवर्क है स्लैब का उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। अब जितना भी हमारा क्या है फॉर्मवर्क है उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं, कितने दिनों बाद रिमूव करोगे, 1 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 14 दिन। आंसर्स करके बताएं सभी लोग, और सभी लोग अपनी प्रेजेंस को भी जरूर मार्क करेंगे, और आंसर्स तो आप लोगों ने करना ही है। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए, 7 दिन आंसर्स करें। इस क्वेश्चन को मैंने इतनी बार बता दिया, मैराथन क्लास में अलग बताया, एसएससी जेई का जब प्रैक्टिस सेट कराया तब भी बताया, और आज फिर से बता रहे हैं तो भी गलत हो रहा है। देखे तो यहाँ पे वन डे भी आ गया, बहुत अच्छे। देखे तो रवि मौर्य जी बी आंसर्स के साथ, रवि जी बी के साथ, अभिषेक महाराज जी बी के साथ, बहुत अच्छे, काफी लोग हैं जो बात का सुनते हैं। पायल चौधरी जी, वेरी गुड, बी आंसर्स के साथ, वेल डन के बेटा। 4 डेज आप लोगों का राइट आंसर जाएगा। मैंने बताया था कि अगर सपोर्ट हट गया तो हमारा क्या होता है, 3 डेज होता है, और इसे अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर चला जाना चाहिए, फिर 4 दिन के साथ चला जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का जाएगा भाई, जो बी के साथ है बहुत ही अच्छे। आगे चले 44 के साथ। द इंक्लाइन सर्फेस ऑफ एन एबेटमेंट टू रिसीव द आर्च, आप लोगों से बोला गया आर्च है, उसके नीचे हम लोगों को एक ऐसा एबेटमेंट देखने को मिल रहा है जो कि इंक्लाइंड इंक्लाइंड तरीके से है, तो ये स्क्यू बैक है, सोफिट है, स्पेंड्रिल है, या हॉन्च है। आंसर्स करो फटाफट से।
आंसर्स करें, क्या आंसर जाना चाहिए आप लोगों का। यस, सोविक जी का भी करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो काफी लोगों का था, मैंने आंसर आप लोगों के नेम भी ले लिए थे भाई, जिनके आंसर्स करेक्ट हैं। मोटिवेशन मोटिवेशन देना मेरा काम है आप लोगों का, कि जिनके राइट आंसर्स है उनको मोटिवेशन मिले कि हमारा राइट आंसर्स है। यहाँ पे आंसर्स करो, देखिए तो ये आंसर्स कर रहे हैं बहुत अच्छे। एसक्यू बैक ही राइट आंसर जाना चाहिए क्या 44 का? बहुत ही बढ़िया, एसक्यू बैक हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर जाएगा जब हम इंक्लाइन सरफेस की बात करते हैं। ऐसा अबेटमेंट जो कि हमारे आर्चेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं। आपसे बोला कि है जो वेज शेप्ड ब्रिक्स हम लोगों को देखने को मिलती है आर्च रिंग में, तो ये सोफिट है, वासोरिस है, हांचिस है या स्पेंड्रिल्स है। देखो ये आप लोगों की आर्च रिंग है। अब क्या है इसमें हम लोगों को इस तरीके से ये वेज शेप्ड हमें ब्रिक्स ऐसे देखने को मिलती है, ये हमारी क्या कहलाती है, डायग्राम आप लोगों का है देखो इस तरीके से। चलो इसको बाद में बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारी वेज शेप्ड इस तरीके से ब्रिक्स होती हैं, इसको सोफिट आंसर्स करोगे, वासोरिस, हांचेस, स्पेंड्रिल्स। सभी लोग आंसर्स करें, चलो भाई आंसर्स करके बताएं। अगर इतने ज्यादा मैं यहाँ पे नेम लेने लग गई तो फिर तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्या आंसर्स करना चाहिए, देखिए तो बी आंसर्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वासोरिस हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। जो हमारी ये वेज शेप्ड की ब्रिक होती है आर्च रिंग में, इसी को हम लोग वासोरिस बोलते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्लियर है आंसर सभी लोगों को? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब देखते हैं इसको कौन करेक्ट करके बताते हैं, जो इसको करेक्ट करके बताएंगे उनकी तैयारी एक लेवल ऊपर है। अब देखते हैं कौन करते हैं। सबसे पहले जो करेंगे उनका नेम लिया जाएगा। बताओ, वुडन ब्लॉक हिंज ऑन द पोस्ट आउटसाइड द डोर। डोर की अगर हम आउटसाइड में देखें तो वहां पे एक हम लोग लकड़ी का ब्लॉक लगाते हैं हिंज के रूप में, उसको हम क्लिट कहते हैं, स्टॉप कहते हैं, हॉर्न कहते हैं, या नन ऑफ दीज आंसर जाएगा। सभी लोग आंसर जरूर करके बताएं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर जाना चाहिए। देखिए तो ए आंसर्स के साथ सौमिक घोष जी का ए आंसर्स, रवि जी का ए आंसर्स, बहुत बढ़िया, नितेश कुमार जी का ए आंसर्स, और देखिए तो सभी लोग ए के साथ जा रहे हैं, काफी लोग ए के साथ हैं। प्रियंका जी का ए आंसर्स, बहुत ही बढ़िया। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें वुडन ब्लॉक जो हमें देखने को मिलता है तो हमारा क्या होता है, क्लिट होता है। आंसर्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर, वेरी गुड, वेल डन। 47 पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है, बहुत पहले बताया था तो पहले की बात, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे याद करते हैं। फंक्शन ऑफ द किंग पोस्ट, जो हमारा किंग पोस्ट होता है किसमें, किंग पोस्ट रूफ ट्रस में। तो हमारा जो किंग पोस्ट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, कि वो फ्रेमवर्क ऑफ द रूफ को सपोर्ट करता है, प्रिंसिपल राफ्टर्स को रिसीव करता है, या सी के साथ जाओगे या डी आंसर्स मार्क करोगे। बहुत अच्छे सभी लोग, वेल डन, कीप इट अप। देखे तो अदनान जी, वर्षा नेगी जी, प्रतिमा जी, सोविक जी, पुरुषोत्तम जी, वर्षा नेगी जी, इंजीनियर सौरभ सिंह जी, प्रियंका जी, सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हैं। नितेश कुमार जी, वेरी नाइस, प्रताप जी, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को आंसर्स करो, क्या आंसर्स करेंगे, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। देखे तो सभी लोगों ने याद रखा है, टू प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम द सैगिंग इट्स इज सेंटर, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट। देखो हम लोग कहते हैं ये हमारा किंग पोस्ट है और ये हमारी टाई बीम है, टाई बीम को हमारी क्या हो, सैगिंग देखने को ना मिले, ये हमारा किंग पोस्ट, ये हमारी टाई बीम, इसमें कोई सैगिंग ना हो, इसलिए हमको हमारा कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, किंग पोस्ट हमारा सपोर्ट कर रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छे सभी लोग, वेरी गुड, वेल डन। अब देखो ये क्वीन पोस्ट ट्रस्ट है, इसमें से भी जो आप लोगों के होते हैं, देखो ये क्लिट आप लोगों को वुडन ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे भी क्लिट देखने को मिलता है, पालिंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, राफ्टर्स हमारा यहाँ पे यूज होता है। चलो आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन, क्ले और सिल्ट कंटेंट की बात करते हैं गुड ब्रिक अर्थ में, एक अच्छी ब्रिक में क्ले और सिल्ट का कितना परसेंट होना चाहिए, 50%, 40%, 30%, 25%, क्या आंसर्स मार्क करोगे आप लोग, फटाफट से आंसर्स करके बताओ कि दोनों कंटेंट को मिलाकर कितना होना चाहिए। बहुत अच्छे, 50% के साथ, वेरी गुड, वेल डन, के बेटा ऑप्शन में यही करेक्ट। आगे चलते हैं 49 के साथ। ये देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आपके कहें कि मैक्सिमम ए के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रेजिन साल,
ये हमारे वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो रहे हैं, हमारे स्प्रिट में हम लोग इन्हें सॉल्यूबल हैं, हमारे इन्हें हम लोग वार्निशेस में यूज करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे कि जब हमारा ऑयल का इवेपरेशन होने लग जाता है उसके बाद ये हमारे बचते हैं, लेफ्ट रहते हैं। क्या आंसर्स मार्क करोगे? मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हम बात करें तो नॉट सॉल्यूबल इन वाटर भी हमारा करेक्ट है, सॉल्यूबल इन स्प्रिट भी हमारा करेक्ट है, यूज इन वार्निशेस भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाता तो ऑल ऑफ द अबव के साथ चला जाता, बट ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो इसका मतलब मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि रेजिन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। बहुत ही अच्छे भाई, काफी लोग सी के साथ, वेरी नाइस, यूज इन वार्निशेस, ये इसका फिर मोर अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा। तो इंजीनियर सौरभ सिंह जी का सी आंसर आ रहा है, बाकी सब लोगों को ए लग रहा है क्योंकि ए आप लोगों ने पढ़ा है, रेजिन आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये तीनों आंसर्स करेक्ट है। आगे चलें 50 क्वेश्चन के साथ। सेकंड क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, वो बहुत डार्क ब्राउन कलर की होती है, या जब हम ब्रिक को क्या करें, स्ट्रक कराएं दूसरी ब्रिक के साथ तो हमें मेटेलिक साउंड देखने को मिलती है। वेल बर्न के साथ जाओगे या अंडर बर्न के साथ जाओगे? सभी लोग आंसर्स करके बताएं। फिफ्टी में अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक में, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते डार्क ब्राउन कलर, वेल बर्न में भी नहीं कह सकते क्योंकि फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, अंडर बर्न में भी नहीं रख सकते। देखो पहली बात की जो फर्स्ट वाली ब्रिक होती है उसकी तो बहुत अच्छी मेटेलिक साउंड सुनाई देती है, अगर सेकेंड क्लास की ब्रिक की बात करें तो थोड़ी कम मेटेलिक साउंड सुनाई देती है, लेकिन सुनाई मेटेलिक साउंड ही देती है। आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोगों के 50 क्वेश्चंस ओवर होते हैं। होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत सारी चीजें गेन करी होंगी, कुछ चीजें सीखी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, और देखो मैंने आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ कि एग्जामिनेशंस आप लोगों के अब सारे के सारे एग्जाम्स आपके ऑन टाइम हैं, तो अगर आप लोग अभी जितना, वैसे भी मैंने देखा है कि लॉकडाउन के पीरियड में भी आप लोग बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ पढ़ाई कर रहे थे, और अब आप लोगों ने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर लेना है। ठीक है, ये नहीं कि पहले बहुत अच्छे से कर रहे थे और अब जब नज़दीक आ चुके हैं फिर अब आप लोग ढीले पड़ जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जितना आप लोग अभी तक मेहनत कर रहे थे इससे कोशिश करो कि और ज़्यादा पढ़ाई करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्स हो रहे हैं और अपनी हेल्थ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स की, जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे उनमें से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा एग्जाम देने के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी की बहुत अच्छे से भी पढ़ाई करनी है। और एक और बात है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर यूथ की अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो मैंने टेलीग्राम में भी उसका आंसर्स आप लोगों को बता दिया है, उस आंसर्स को करेक्ट कर लेना, उसमें टू अवॉइड आएगा, देन जाके ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर्स होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। ठीक है, और किसी को कोई परेशानी? लॉकडाउन में एफिशिएंसी लो हो गई थी, कोई बात नहीं, थोड़ी लो भी हो गई थी, अभी फिर से स्टार्ट कर दोगे हाई एफिशिएंसी के साथ, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आप लोगों की, ओवरऑल एफिशिएंसी फिर क्या निकलेगी, मैक्सिमम निकल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।